निश्चित तौर से जो सामने चीजें आ रही कि न्याय न्यायिक प्रतिक्रिया रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में उनको पूरी तरीके से वहां पर देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को देखना चाहिए था। निश्चित जो सरकार जिन आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और उसकी पूरी बकायदे जांच करानी चाहिए, विशेष रूप से न्यायपालिका, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं और कोर्ट के आदेश से के तहत हैं, तो उस पर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और सख्त तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर से जो आज मुख्तार अंसारी वहाँ पे उनको सुपुर्दगी खाक किया गया है, तो स्वाभाविक है मृत्यु के बाद कहीं ना कहीं कोई जलाया जाता है, किसी सुपुर्दगी खाक होता है, खास करके मुसलमान समाज में। तो जो चला गया, हमारे हिंदू धार्मिक संस्कृति है, जो चला गया उसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना या कोई भी बात करना मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं होता। पर निश्चित तौर से जो उन्होंने जिस तरीके के चीज़ों के सामने आई, न्यायपालिका ने हम सबको न्याय दिया, हम सबके साथ न्यायपालिका ने जस्टिस किया, वो न्यायपालिका निश्चित मैं आभारी हूँ न्यायपालिका का कि जिन्होंने उनको हमारे भाई की हत्या में आजीवन कारावास दिया और न्यायपालिका से हम लोगों को उम्मीद थी वो हम सबको न्याय मिला। तमाम पार्टियों का और जो आपके साथ भी इंडिया अलायंस की पार्टियों का कहना है कि सरकार ने किसी भी तरीके से उनको जेल में मरवा दिया। अब निश्चित तौर से जो सामने चीजें आ रही कि न्याय न्यायिक प्रतिक्रिया रही है, उस न्यायिक प्रक्रिया में उनको पूरी तरीके से वहां पर देखभाल करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार को देखना चाहिए था। पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि निश्चित जो सरकार जिन आरोप लग रहे हैं उस आरोपों को सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए और उसकी पूरी बकायदे जांच करानी चाहिए। आदित्य जी, बहुत सवाल कि मुख्तार अंसारी को तमाम लोग रॉबिन हुड के तरीके से बुला रहे हैं, रॉबिन हुड बता रहे हैं, आप क्या? अब जो चला गया, मैंने कहा ना, जो चला गया उसके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आज जो व्यक्ति आज दुनिया से विदा हो गया, सुपुर्द के खाक हो गए, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। कि आजम खान जी, अब उनका भी आ रहा है कि बोल रहे हैं कि हमें भी मरवा दिया जाएगा इसी तरीके से। निश्चित मैं कहा कि अगर उनकी बात ही आ रही है तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से न्यायपालिका, क्योंकि न्यायिक अभिरक्षा में बंद हैं और कोर्ट के आदेश से के तहत हैं, तो उस पर कोर्ट को सख्त रवैया अपनाना चाहिए और सख्त तरीके से उस पर ध्यान देना चाहिए।